नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोज जयसवाल, आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेएम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रेडमी नोट 13 5G में किस तरह से आप अपने मोबाइल का डिलीट हुआ फोटो वापस किस तरह से मंगा सकते हैं अपने मोबाइल में। दोस्तों आ जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिस एप्लीकेशन का नाम है डिस्क डिगर फोटो रिकवर। ये एप्लीकेशन का और 100 मिलियन तक डाउनलोड है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ये रहा डिस्क डिगर फोटो रिकवर। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, जो 100 मिलियन तक प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऊपर फोटो का और नीचे वीडियो का, ये दोनों ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम फोटो पे क्लिक करते हैं। तो पहले परमिशन मांगता है, तो आपको पहले जाके सेटिंग में जाके यहाँ पे इसको खोजना है और परमिशन दे देना है। ये रहा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, परमिशन दे दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी अपने मोबाइल में परमिशन दे देना है। तो फिलहाल फ़ोटो का ऑप्शन ओपन हो गया, जो जो डिलीट किया हूँ। तो इसमें गौरव गोपाल जी का फ़ोटो दिख रहा है जिसको मैंने डिलीट कर दिया है और अभी शो कर रहा है। तो चलिए मैं इसको अपने गैलरी में सेव करता हूँ यहाँ से लेके। तो इस फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके क्या करता हूँ, अपने मोबाइल में सेव करता हूँ। देखता हूँ कि गैलरी में ये फ़ोटो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फिलहाल मेरा सेटिंग चालू हो गया है और इसको सेव करके देखता हूँ। और बीच वाला ऑप्शन दिया है सेव का ऑप्शन, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेव करके ऑप्शन में। और ये आ गया फिलहाल फाइल मैनेजर में। तो इसको अलार्म वाला फाइल में सेव करके देखता हूँ होता है कि नहीं। ये रहा है अलार्म का फाइल, और यहाँ पे मैंने ओके कर दे रहा हूँ, दिया यूज टू अलाउ कर दे रहा हूँ। अब जैसे अलाउ कर दिए, फिलहाल दिखा रहा है कि मेरे फाइल में आ चुका है। तो नो थैंक पे क्लिक कर देते हैं और बैक करते हैं और वीडियो चेक इन करते हैं कि वीडियो इसमें रिकवर हो रहा है कि नहीं। तो फिलहाल हम वीडियो वाला फाइल में आ गए। वीडियो में फाइल में आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि जो भी आप वीडियो डिलीट किए हो वो रिकवर हो रहा है कि नहीं। फिलहाल हमारा वीडियो वाला फाइल चालू है और इसमें हम रिकवर करके कोशिश कर रहे हैं। ये सारा वीडियो जो स्क्रीन पे मेरे दिख रहा है सारा मैंने डिलीट कर दिया था, और एक खुशी मूवी था जिसको मैंने डिलीट किया था, उसको रिकवर करना है। फिलहाल देखता हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर खुशी मूवी था, तो फिलहाल मेरे को खुशी मूवी इसमें दिखाई दिया था। फिलहाल तो मैं मूवी पर क्लिक कर दिया, ये रहा खुशी मूवी जो नया अभी रिलीज हुआ है, फिलहाल डिलीट कर दिया था। तो इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रिकवर करके देखता हूँ अलार्म वाला फाइल में जिसमें पहले किया था उसी में। तो चलिए हमने रिकवर किया, सेव टू फाइल इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर से अलार्म फाइल ऑटोमेटिक आ गया, जो सिलेक्ट कर देगा वहाँ पे आ जाएगा। अलाउ कर देते हैं, अलाउ करके हमने ओके कर दिया। यहाँ पर दिखा दिया कि पिक्चर आपके अलार्म के फाइल में आ चुका है। तो चलिए मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, जाके गौरव गोपाल का फ़ोटो और दूसरा खुशी मूवी दो देख रहा हूँ कि इसमें आ गया कि नहीं, रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं फाइल मैनेजर में। ये रहा फाइल मैनेजर, और फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। ओपन करके इसमें देखते हैं अलार्म के फाइल में, ये रहा हमारा फ़ोन मेमोरी और ये रहा अलार्म फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइड करके देखने पे दोनों दिखा दे रहा है, खुशी मूवी रिकवर हो गया है और गौरव गोपाल जी का फ़ोटो जो रिकवर किया था, दोनों का दोनों रिकवर हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में भी फोटो वीडियो ऑडियो कुछ भी रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट